एक और बड़ी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां पर तीसरे चरण के चुनाव में महंगाई को मुद्दा बनाएंगे कांग्रेस। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बड़ा बयान, महंगाई नियंत्रित है, कांग्रेस मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। जब भी राम मंदिर की बात होती है आलू महंगा हो जाता है। भूपेश बघेल ने लगाया मतदान केंद्र में जाने से रोकने का आरोप। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। भूपेश बघेल के साथ 100 लोग और भी अंदर जा रहे थे, उन्हें आम लोगों ने पहले रोका। बीजेपी के लोग तो बाद में पहुंचे, उनकी आदत है झूठ बोलने की। महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने पीएम मोदी को कहा रावण। मामले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने बोला कि मैंने वीडियो देखा है, उन्हें ठीक से ध्यान भी नहीं कि कौन क्या है। अलका लांबा ने जो कहा वह घोर निंदनीय है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुझे बिल्कुल वो लगता है कवर्धा में उसका अर्थ कोई क्या निकालता है एक अलग मामला है, लेकिन बिल्कुल वैसा ही था। भूपेश बघेल जी को वोट देना यानी कि मोहम्मद अकबर को वोट देना, ऐसा ही लोगों के मन में भाव था। वही मैंने देखा वो वीडियो, उनको तो ठीक से ध्यान भी नहीं है कि कौन क्या है, इस टाइप का मुझे लग रहा था। मैंने उनको नहीं स्पष्ट होगा कि पूरी कथा कैसी है। अजीब बात है मोदी जी के संदर्भ में जो कुछ उन्होंने कहा, जो कुछ वो कह रहे हैं घोर निंदनीय है भाई, और इस पर ज्यादा बात भी करना बेकार है, मैं तो ये सोचता हूँ। और महंगाई की बात है तो महंगाई ज्यादा है क्या? अभी मसला यह है कि महंगाई की जो स्थिति वर्तमान में है वह नियंत्रित ही है और अच्छे से नियंत्रित होना चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इस तरह से बात करके आप बाकी मुद्दों से बात हटाना चाहते हैं कि जब भी राम मंदिर की बात आती है तो आलू महंगा हो जाता है? ऐसा थोड़ी होता है भाई।